अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें जी एक और मशरूम मिला, कितना बड़ा। आपको ये वीडियोस पसंद आए ना, ये देखना, ये भी पुराना हो गया, सुबह से लगा हुआ, जिसकी वजह से इसके अंदर अब कीड़ियाँ नज़र आ रही हैं। यही कीड़ियाँ खा के इसको गर्क कर देंगी, और काफ़ी यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखें, ये इससे भी पुराना, ये ख़त्म हो रहा है अब। हाँ तो झाड़ लूँ। अच्छा, अभी वजह ये है कि इसके ऊपर दरख्त है, नीचे पौधे बड़े हो रहे हैं जंतर के, जिसकी वजह से यहाँ पे छाँव और ठंडी जगह पे मशरूम होता है। लेकिन एक धूप कल की, ये देखें कि ये पड़ा हुआ है, एक वो पड़ा हुआ है। तो लेकिन अफसोस की खबर यह है कि इनमें से खाने के काबिल कोई भी नहीं है, सब पॉइजनस है। मुबारक हो, सुबह से कोई ज़्यादा नहीं तो 35-40 मशरूम मैं ढूँढ चुका हूँ, लेकिन सारी पॉइजनस है। ये पुदीना है हमारा। अच्छा जी, और ये भी पुदीना अल्हम्दुलिल्लाह सारा ही उग रहा है। मैंने अभी ला के ना घर से यहाँ पे दबा दिया था, सारा ही उग गया, ठीक जा रहा है। पुदीने की प्रोग्रेस ठीक है, जंतर की प्रोग्रेस भी ठीक है। ये भिंडी नहीं हो रही क्योंकि ये कलर वाली जगह है, भिंडी से ज़्यादा जड़ी बूटी है, बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी। उसका फ़ायदा ये है कि यहाँ से तोड़ के हम ना बकरियों को डालते रहते हैं, बकरियों का चारा नहीं ख़त्म होता हमें। और भी मैं देखता हूँ ठंडी जगह पे, कोई किस्मत की बात है अगर कोई एडिबल मशरूम यहाँ पे मुझे मिल गया, लगता तो मुश्किल ही है। आगे चूँकि धूप वाला एरिया तो मुश्किल ही है यहाँ पे कोई मशरूम लगे। नहीं है मेरा ख्याल, परली साइड पे काफ़ी सारे थे, वो मैं सुबह ही उसका रिव्यू कर चुका हूँ।